Done, sir. Okay, ma'am. Thank you. So we'll discuss today the question paper of PT2, जिसमें आपने जो अपने mistakes करी उसकी हम बात करेंगे. इसमें जो पेपर था आपका 14 क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्कर थे, बाकी 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6-8 मार्कर, 5 और 6 मार्कर सेम एज इट इज जैसे वो थे वो थे. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था एपीसी पब्लिशर वाला. एपीसी पब्लिशर इज अ लीडिंग पब्लिक हाउस. उसमें एक लाइन यूज की गई थी, एडिक्वेट स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड बाय द कंपनी फॉलोइंग द रिगरस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर. यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट फॉलोड बाय द कंपनी मेंशन्ड इन द अबव केस. द आंसर वाज स्टाफिंग. लिखा था रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. रिक्रूटमेंट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, है ना, उसमें स्टाफिंग में आता है. मेन फंक्शन जो है वो स्टाफिंग है. तो यहाँ इसका आंसर जो था वो स्टाफिंग था फर्स्ट. वैसे मोस्टली आपका ये क्वेश्चन ठीक रहा, जिन बच्चों ने गलत किया उनकी बात कर रहा. सेकेंड क्वेश्चन था एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू डैश. यहाँ पे आप कोई भी एक इम्पोर्टेंस कंट्रोलिंग के लिख सकते थे. हेल्प्स टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. Helps to use the resources in an optimum way. Helps to review the standards. यहाँ helps की बात हो रही है importance का. कोई भी एक point जो था वो आ सकता था यहाँ पे. Third question था आपका name the foreman liable for handling and taking due care of machines and equipments in a business unit. The answer is gang boss. Gang boss जो है उसका ये काम है. Next था as a result of some qualitative scientific research, LED bulbs comes out as an output which is highly energy efficient in comparison with that of normal CFL bulb. तो उसमें जो पॉइंट था जिसने पूछा हुआ था, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्ड इन द अबव केस. यहाँ जो पॉइंट बनना था वो था इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज. आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है, अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही, थ्रेट्स की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे या किसी और पॉइंट की बात नहीं हो रही थी. ये भी मोस्टली ठीक था आप लोगों का क्वेश्चन. And then question number 5 was name the function which reviews the operation in a business unit. See, यही question second question में help कर सकता था आपकी. वहाँ पे question था an effective control system helps to dash. और यहाँ पे question है name the function of management which reviews the operation in a business unit. तो इसका answer controlling था. और ऊपर controlling का ही पूछा हुआ था. ये दोनों question जो थे वो आपस में interrelated थे. Then next question was प्लानिंग इन्वॉल्व डैश मेकिंग, इट इज डिसीजन मेकिंग. बड़ा इजी क्वेश्चन था और ऑलमोस्ट सभी का ठीक है, जिसने अटेम्प्ट किया उसका ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है लियो टॉयज इज द कंपनी डेल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट जलंधर, प्रोडक्शन यूनिट एट केरला, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुंबई. नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट द कंपनी शुड अडॉप्ट टू रीच इट्स टारगेट. इट इज functional structure because company is dealing in toys only, single product is there, that is why it will be using functional structure. Then is next question is what is the direction of flow of responsibility and authority. It is very easy question. आप लोग शायद ज़्यादा वैसे गलत नहीं किया, आप लोगों ने गलत दो चार बच्चों पे हुआ है, कोई confusion ही होगी तभी गलत हुआ है. Otherwise it is very clear that the authority flows downwards and responsibility flows upwards. अगर हम हायरार्की की बात करें, जो हायरार्की है वो ये है. कई बार हम बात करते होते हैं दिस इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, ये उसके नीचे डिपार्टमेंटल हेड्स बन गए, ये उसके नीचे मैनेजर्स आ गए, मैनेजर्स से आगे सुपरवाइजर्स आ गए, इसके पास वर्कर्स. या हम ऐसे भी डिस्कस करते होते हैं कई बार, ये सीईओ है, ये डिपार्टमेंटल हेड, हर डिपार्टमेंटल हेड के नीचे 4 मैनेजर, हर 4 मैनेजर के नीचे सपोज 7-8 सुपरवाइजर, और हर एक सुपरवाइजर के नीचे 10-10, 20-20 वर्कर्स. दिस इज हायरार्की. एंड सीईओ इज ऑथराइज्ड टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द डिपार्टमेंटल हेड्स. डिपार्टमेंटल हेड्स आर ऑथराइज्ड टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द मैनेजर्स. मैनेजर्स फ्रॉम सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स फ्रॉम वर्कर्स. दे आर ऑथराइज्ड, इट मींस अथॉरिटी इज फ्लोइंग डाउनवर्ड्स. एंड द वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डू द वर्क फॉर द supervisors. Supervisors are responsible to the managers. Managers to a departmental head and departmental head to the CEO.
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इट इज फ्लोइंग अपवर्ड, अथॉरिटी इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, ये उनके लिए है जिन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर ली, अदरवाइज ये वन मार्क भी तरीका था. देन इज इट रिप्रेजेंट्स द राइट्स एंड पावर्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड इट्स सबॉर्डिनेट्स एंड टू टेक्स वेरियस डिसीजंस इन द वर्क प्लेस नेम इट. द आंसर इज अथॉरिटी. ये हमने डेलीगेशन के आस्पेक्ट्स पॉइंट्स में उसको किया हुआ था, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. वहां पे सेम लाइन लिखी हुई है बुक में भी, है ना. आपसे बस आंसर नहीं क्वेश्चन पूछा गया, आंसर दिया हुआ था. देन इज पीई इज अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिचुएटेड इन हैदराबाद. बोथ परचेज एंड सेल मैनेजर ऑफ द कंपनी आर इन कंसल्टेशन विद ईच अदर रिगार्डिंग द डिफरेंट इश्यूज सच एज क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिलीवरी ऑफ द गुड एक्सेट्रा. नेम द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फॉलोड इन द कंपनी इन द अबव केस. द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट मे बी फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी ठीक किया है मैंने. इट इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑल्सो बिकॉज द टू पर्सन दे आर परचेज एंड सेल्स मैनेजर, दे आर एट सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इट मे बी हॉरिजॉन्टल ऑल्सो. तो अगर आपका आंसर आपने लिखा था फॉर्मल कम्युनिकेशन वो भी मैंने ठीक किया है, अगर आपने लिखा था हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मैंने वो भी ठीक किया हुआ है. इसके अलावा आप क्या लिख सकते थे, आपने लिखा नहीं, वो लिखा नहीं हुआ है, आप क्या लिख सकते थे और? एनीवन? किसी ने लिखा मेनली आपने दो आंसर यही लिखी हुई, या फॉर्मल लिखा है या फिर आपने लिखा है हॉरिजॉन्टल. और मैं थोड़ा क्वेश्चन और क्लियर कर दूं, अगर मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया तो वो हिंट ही मिल जाएगा जिससे आंसर ही आ जाएगा. आई डोंट वॉन्ट टू क्लियर द क्वेश्चन, अदरवाइज द क्वेश्चन इट्सेल्फ इज वेरी क्लियर. ये नहीं क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्लियर ही है, अगर मैंने और क्लियर किया तो वो आंसर आ जाएगा. इफ एनीवन कैन टेल मी, और आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे? कोई नहीं, मैं हल्का सा क्लियर कर रहा हूँ. मैं कोई और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नहीं पूछ रहा हूँ, आंसर मैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही मांग रहा हूँ, लेकिन मैं कोई और टाइप नहीं पूछ रहा हूँ. मैंने हल्का सा क्लियर किया है, लेट अस सी अगर कोई इसको नोट कर सके तो. पॉइंट को है कोई? चलो मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम और क्या बोलते हैं? सर लेटरल कम्युनिकेशन. इट इज लेटरल कम्युनिकेशन. लेटरल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल, सही आपका आंसर. Could have been the answer also. वैसे आपने लिखा नहीं किसी ने, मेरे को लगता है आप लोगों ने या फॉर्मल वर्ड यूज किया हुआ है या वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज किया हुआ. नेक्स्ट इज नेम द ट्रेनिंग मेथड विच अटेम्प्ट्स टू डुप्लीकेट ऑन द जॉब सिचुएशन इन अ कंपनी. इट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग विच डुप्लीकेट्स द ऑन द जॉब सिचुएशन इन अ कंपनी. वेस्टिब्यूल, जहाँ पे आपको याद होगा कंपनी में जब वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज नॉट ऑन द जॉब, दैट इज ऑफ द जॉब. और ऑन द जॉब ट्रेनिंग को डुप्लीकेट किया जाता है, मीन्स सेम जो वर्कर ने मशीन पे या सॉफ्टवेयर पे काम करना है उसको पहले अलग से काम करवाया जाता है, सेम कंडीशंस को डुप्लीकेट कर लिया जाता है. हमने एक एग्जांपल ली थी बैंक एम्प्लॉयज की. अगर बैंक एम्प्लॉयज को ये सिखाना हो कि आप लोगों ने ऑनलाइन पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं, तो उसको ट्रांसफर करते वक्त नहीं सिखाना, बैंक में काम करते हुए नहीं सिखाना, वो कहीं गलती ना ट्रांसफर करते, उसको पहले सेम सॉफ्टवेयर पे अलग से एक जगह ले जाके वो डुप्लीकेट क्रिएट किया जाएगा एनवायरनमेंट उसके लिए, उसको वहां सिखाया जाएगा, उसके बाद उसको रियल जॉब पे लेके आया जाएगा. अगर उसको पहले नहीं सिखाया और साथ साथ सिखाने लग गए तो कहीं वो पैसे ना गलत कर दे, आउटपुट जो है वो उसको फर्क पड़ जाएगा. ठीक है, दिस इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. यहाँ पे अकेला ट्रेनिंग लिखा हो तो आंसर गलत था, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. वेस्टिब्यूल स्कूल बोल देते हैं इस कई बार. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. सम्राट गीजर्स इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाटर गीजर्स. द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर विद फोर मेन फंक्शंस. एज पर द डिमांड द कंपनी ग्रू, द कंपनी डिसाइडेड टू हायर एम्प्लॉइज. आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट. इट वॉज द वर्क लोड एनालिसिस. वर्क लोड एनालिसिस, काम कितना है उसका, उसका उसने पूछा हुआ है. देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल आस्क्ड द मीटिंग ऑफ ऑल टीचिंग स्टाफ मेंबर्स एंड असाइन द टेबुलेशन वर्क.
is understood by some of the teachers that all the teachers connected with any sort of tabulation or calculation work in their subjects are called for the meeting. Name the type of semantic barrier referred here. The semantic barrier was technical jargon. ये हमने बात भी करी थी. Technical jargon is that group of words जो किसी खास profession के लिए बना होता है या किसी खास group of people के लिए बना होता है, ना? और दूसरे जो है उस technical word को अगर वो समझ ना पाए तो जो communication में barrier आ रहा है, जो बात समझी नहीं जा रही, that is the technical jargon and that is the kind of semantic barriers. हम ये बड़ी commonly बात करते होते हैं कि हम लिखते हैं इस वर्ड को, सिर्फ कॉमर्स वाले कहेंगे डेबिट लिखा हुआ है, बाकी सब उसको डॉक्टर कहेंगे. तो कॉमर्स वाले जो है उनका एक टेक्निकल जार्गन बन गया. आप किसी लेमैन को बोलोगे कि क्या लिखा हुआ है, इसको वो क्या बोलेगा, इसको डॉक्टर ही बोलेगा, है ना. आप कॉमर्स वाले से पूछ लो, चांसेस है कि वो डेबिट भी बोल देगा. किसी और से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. दिस इज अ काइंड ऑफ टेक्निकल जार्गन, सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए बना हुआ है, है ना. या हम डॉक्टर के पास जाएं, उसको बोले कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम को जो हम बता रहे हैं वो उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में बताता है. ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, वो टेक्निकल जार्गन जो समझ नहीं आता हमें वो क्या कह रहा है. यहाँ पे उसका आंसर ये था. देन इज पॉइंट नंबर सम नंबर 14. एट हेल्प डॉट कॉम देर इज नो रिवॉर्ड और अप्रिसिएशन फॉर अ गुड सजेशन. दस द सबॉर्डिनेट्स आर नॉट विलिंग टू ऑफर एनी यूजफुल सजेशन टू द सुपीरियर्स. Identify the type of barrier to communication that has been created in the form due to this. This is personal barrier. Personal barrier. The answer was. Then section B में section B was of 3 marks. दो question इसके थे. A company manufactures very sophisticated switch gears used in automatic cars. For this, the company uses high tech machines. Most of the times, the workers of the factory remain idle because of lack of knowledge regarding the use of high-tech machines. The frequent visits by the engineers and constant supervision of the foreman results into high overhead charges. Explain the way by which this problem can be overcome and also state how this helps the employees. Otherwise, question was very clear. नहीं तो जो बाद में एक line लिखी गई ना, also state how it is beneficial for the employees. तो उससे ये question को और clear कर रहा था. The answer was lack of training. High-tech machines have been installed in the company, but the workers are not trained. उससे क्या हो रहा है? जो experts हैं, उनकी regular visits हो रही हैं, जो supervisors हैं, वो लगाने पड़ रहे हैं. Workers को training नहीं है, जिससे company के overhead expenses means expenses वो increase हुए जा रही हैं. If the workers can be given training, then they should be trained. उससे क्या होगा, हमारे खर्चे जो है वो कम हो जाएंगे. द पॉइंट वाज ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग, और उसके बाद बेनिफिट्स बताने थे सिर्फ वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं. देन इज सवाल नंबर 16. जीएच कंपनी लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग शूज एंड रिलेटेड आइटम्स इन द फैक्ट्री लोकेटेड एट चेन्नई तमिलनाडु. कंपनी परफॉर्म वेल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. यहाँ पे पूछा गया था लास्ट में जाके, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट used by Aryan to take his company to a greater heights. The answer is again training. Yeah, training kar sakte, no training actually, delegation. Delegation. आपने यहाँ पे कईयों ने delegation लिखा, कईयों ने decentralization लिखा. अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो difference है between delegation and decentralization is only that delegation is on selective basis. Decentralization is on totalistic basis. डेलीगेशन में जो सुपीरियर है, जो सीनियर है, वो जूनियर को, किसी एक जूनियर को, दो जूनियर्स को, तीन चार को सिलेक्टिव बेसिस पे उनको अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर देता है. डिसेंट्रलाइजेशन में वो सारे जूनियर्स को करता है. यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था ऑन सिलेक्टिव बेसिस. अगर आप लाइन पढ़ोगे तो बीच में लिखा हुआ है, उसने लास्ट पैराग्राफ में ही सिलेक्टेड सम एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंट टू टेक सच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथराइज देम टू टेक डिसीजंस ऑन हिज बिहाफ. तो क्लियरली इट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इसका पार्ट ए का आंसर ये था. और उसके बाद उसने कहा था, एक्सप्लेन एनी टू पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट आइडेंटिफाइड अबव. डेलीगेशन के कोई दो पॉइंट्स उसकी इंपॉर्टेंस की आपने बतानी. देन इज द 4 markers. Dell Limited assured its employees that in spite of COVID-19, no worker will be retrenched from the job. Name and explain the type of incentive offered to the employees and explain any one more incentive of same category. The company is ensuring its employees that in spite of COVID-19, such recession,
no employee will be axed from the job, he will not be fired from the job. It means clearly it is job security. उसने कहा ये बताओ और उसके जैसा एक और बताओ. Job security is a non-financial incentive. हमने ये बताना था, इसे explain करना था, दो marks इसके थे, साथ में हमने इसके जैसा एक और बता के उसको भी explain करना था, दो marks उसके थे. Mostly आप लोगों ने ठीक किया हुआ है, mostly. जो mistake हुई है वहां पे आपने इसको बता दिया point number A में of the job, not of the job, क्या था question? Incentive. मॉनेटरी इंसेंटिव बता दिया आपने, मॉनेटरी इंसेंटिव. ये मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, इट इज अ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. जॉब सिक्योरिटी नॉन मॉनेटरी है, और जब आपने उसको मॉनेटरी बता दिया तो पॉइंट नंबर बी अपने आप गलत हो गया. पॉइंट नंबर बी कह रहा था वैसा एक और बताओ, तो जो वैसा आपने बताया वो भी आपने फिर मॉनेटरी का बता दिया. अगर आपने जॉब सिक्योरिटी को सही से आइडेंटिफाई किया होता तो आपका ए पार्ट तो ठीक होता ही होता, आपका बी पार्ट भी ठीक हो जाता. और यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, most of the students have answered career opportunities as answer of part B. ऐसा पता नहीं क्यों है, हमारे पास 8-10 alternatives थे answer बताने के, 20-25 बच्चों ने 51 में से एक ही answer बताया है career advancement opportunities. ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि 20-25 के 20-25 बच्चे सेम ही उसको लेके चल रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास बहुत कुछ था, इसके अलावा हमारे पास employees रिकॉग्निशन प्रोग्राम था, इसके पास इसके अलावा हमारे पास स्टेटस एक पॉइंट ये बन रहा था, इसके अलावा हमारे पास जॉब एनरिचमेंट का पॉइंट बन रहा था, पार्टिसिपेशन एम्प्लॉइज का पॉइंट बन रहा था. पता नहीं क्यों आधी क्लास के माइंड में यही आया दैट करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. और पता नहीं क्यों आप इकट्ठे बैठ के शायद पढ़ते हो गए, आपके वर्ड्स भी बड़े मिल रहे थे आपस में, सेंटेंसेज भी मिल रहे थे, मिस्टेक्स भी मिल रही थी. Important point is mistakes भी मिल रही थी. Anyhow, sum number, question number 18, अमूल वाला जो sum था, अमूल वाले sum में उसने पूछा था which type of structure of the organization should the company follow? Explain. Structure here should be functional structure again. Functional structure है because उसने अमूल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो सारा उसने सेम, आप देखिए अगर प्रोडक्ट्स है वो सारे सेम हैं, अमूल के मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कर्ड हो, चाहे वो चीज़ हो, या कोई और कोई आइटम हो, मोज़रेला चीज़, सारे आइटम्स जो हैं वो उसकी सेम है. तो इस केस में उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना चाहिए, चाहे प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं लेकिन स्टिल उनका जो फंडा है प्रोडक्ट्स का वो सेम है ना. इसको आप सैमसंग से, इसको आप एलजी वाली एग्जांपल से नहीं इसको आप कंपेयर कर सकते हो. एलजी में आप देखिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली डिफरेंट है, एक टेलीविजन है एलईडी वगैरह, एक रेफ्रिजरेटर है, एक मोबाइल है, एक माइक्रोवेव है, एक वॉशिंग मशीन है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं. जो आंसर बनता था वो फंक्शनल बनता था. एंड उसने बाद में पूछा है वाई, एक्सप्लेन करना है इसको, तो उसके आपने मेरिट्स बता देने थे. देन 5 मार्कर्स जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 19 था, डी कंपनी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीस डेज, इट मैन्युफैक्चर्स वाइट गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज एक्सेट्रा, द कंपनीज मार्जिन आर अंडर प्रेशर एंड प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर आर डिक्लाइनिंग, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग द सेल टारगेट्स, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द लो क्वालिटी गुड्स, द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम्स बोथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर डिक्लाइनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैड मार्केटिंग, which quality of management do you think the company is lacking and explain briefly, what steps should the company management take to bring the company back on the track. ye humne same example jab topic humne ye wala kiya tha coordination, ye hum le chuke the same example humne li hui thi coordination, because agar coordination nahi hai aapas mein it will be very difficult to fix the responsibility ki kiski galti se jo hai wo profits losses ho gaye hain ya profits kam ho gaye. see marketing department is blaming प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की उसने सामान अच्छा नहीं बनाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोल इसने सामान नहीं बेचा, फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों डिपार्टमेंट्स को बोल रहा है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है. अगर पहले आपस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस ने, परचेज ने, मार्केटिंग ने, सेल ने आपस में कोऑर्डिनेशन की होती तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं थी. द आंसर वॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज इसी में उसने जो पूछा था व्हाट स्टेप्स द कंपनी should take to bring the company back on the track. Company
सारे प्रोसेसेस जो हैं उनको आपस में, सारे डिपार्टमेंट्स उनको आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती है, उनको ड्यूटीज जो है आपस में लिख के दे सकती है, कोई ना कोई उनके ऊपर हेड जो है वो अपॉइंट कर सकती है। ये सारे स्टेप्स थे जो कंपनी ले सकती थी टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन, या अब ले सकती है टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन। एंड व्हेन इट हैज बीन आस्क्ड, सी आंसर नहीं गलत है, आपका आंसर नहीं गलत है, इट हैज बीन आस्क्ड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विच द कंपनी इज फेसिंग। द प्रॉब्लम इज नॉट कोऑर्डिनेशन, इट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई होप आई एम क्लियर। मैंने इसके मार्क्स नहीं काटे आपके, मैं इजिली एक आंसर के मार्क्स में काट सकता था, बट बिकॉज वी आर नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, वी आर टीचिंग यू बिजनेस स्टडीज, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम अपना स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं एग्जामिनर की आगे, देखो जी मेरे तो इतना की आता है। ऐसा लगता है आंसर से कई बार जैसे आपने क्रैम किया हुआ है, बस फटाफट हफड़ा में क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिख दिया। द एग्जामिनर इज आस्किंग द प्रॉब्लम एंड यू आर आंसरिंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन इज सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एंड द प्रॉब्लम इफ इट हैज बीन आस्क्ड द आंसर शुड बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैंने ये कई बार बात कही है, आपके जो पॉइंट्स हैं ना आपके हेडिंग के साथ और आपके क्वेश्चन के साथ मिलते होने चाहिए, है ना। किसी भी क्वेश्चन की मेरिट्स डीमेरिट्स पूछ सकता है, प्रेजेंट कैसे करनी है वो आपने देखना है। सपोज उसने चार पॉइंट पूछे, आपने चार लिख दिए, किसी बच्चे के चार में चार आ रहे हैं, किसी के चार में तीन आएंगे, किसी के चार में दो आएंगे, लिखे पॉइंट्स वही होंगे, डिफरेंस जो होगा वो सिर्फ प्रेजेंटेशन का होगा। जैसे आपने अगर कोऑर्डिनेशन लिख दिया, किसी ने लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लिख दिया, उसके मार्क्स कटते होंगे, है ना। मैंने नहीं काटे, मैंने इस बार नहीं काटे हैं, मैंने बताना था आपको, अगली बार मैं काट भी लूंगा इस चीज़ के। आपका टॉपिक, आपका मैटर और आपका उसका हेडिंग वो आपस में मिलता होना चाहिए। कि मैंने पहले भी बात करी थी, अगर मेरिट्स जो हैं पूछी गई हैं ना, तो हेडिंग भी मेरिट्स की फॉर्म में ही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मेरिट्स ही लिख रही है, और मैटर भी मेरिट्स की फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम डीमेरिट्स लिख रहे हैं तो हेडिंग भी उससे मैच करते होने चाहिए, पढ़ना एग्जामिनर की ईजी रहता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि आप मेरिट्स लिख रहे हो या डीमेरिट्स लिख रहे हो। नेक्स्ट इज विच टेक्निक ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर अ वर्कर टू रीच स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। The answer was differential piece rate system, differential piece wage plan भी बोल देते हैं इसको। इसका आंसर ये था, और ये भी आपका मतलब जहाँ जहाँ पे किसी आंसर में आपने डाटा लिखा ना, तो आई डोंट नो हाउ डाटा बड़ा मैच कर रहा था आपका, पता नहीं ऐसा क्यों। हम कल अकाउंट्स की बात कर रहे थे, वहाँ भी आपने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला, हरेक बच्चे ने 1000 rupees एग्जाम्पल ली, हरेक बच्चे ने 12% इंटरेस्ट लिया, हर एक बच्चे का आंसर 37.5, सी हाउ ओड द फिगर इज 37.5, और सारी क्लास में 20-25 बच्चों का ये आंसर आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है। यहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ भी आप लोगों ने ऐसे ही किया जो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में है, जो आपने एग्जांपल ली, एग्जांपल सबकी सेम बन रही थी, बिल्कुल ही सेम बन रही थी। इट मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू से, मैंने कल सारा कुछ कह दिया था, इट मीन्स के आपने देख ही लिया होगा। लास्ट था क्वेश्चन आपका सेक्शन में, एक्सप्लेन मैसलोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें आपने क्लियर क्वेश्चन था, ये केस स्टडी नहीं थी, 6 marks का क्वेश्चन क्लियर ही था। आपने यहाँ पे 5 जो आपकी नीड्स थी बताई हुई है अब्राहम मैस्लो ने, वो आपने एक्सप्लेन करनी थी। ये भी क्वेश्चन ऐसा था सबका मिलता था आपस में, सबका मिल रहा था। इसमें फर्स्ट नीड थी बेसिक नीड, है ना, उसको हम फिजियोलॉजिकल नीड भी बोल देते हैं। जब मैं टॉपिक करवाया था ना, मैंने तब कहा भी था कि दीज आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, नॉट साइकोलॉजिकल नीड्स। स्पेलिंग ही मिलते हैं आपस में, एक का लेटर का डिफरेंस है। मैंने तब कहा भी था ऐसे मत करना कि आप फिजियोलॉजिकल जगह आप साइकोलॉजिकल लिख के आ जाओ, और आपने कहना मान लिया और आपने ऐसा ही कर दिया, आपने कर भी दिया कि सर बेसिक नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। बेसिक नीड्स आर नॉट साइकोलॉजिकल, दीज आर फिजियोलॉजिकल नीड्स और प्राइमरी नीड्स। उसके बाद जहाँ से आपका चला पता कि आपने चीटिंग करी हुई है, वो पॉइंट था आपका सिक्योरिटी नीड्स का। सिक्योरिटी नीड्स में 2 needs थी, एक फिजिकल सिक्योरिटी थी और एक शायद फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। वो आपने, एक बच्चे ने लिखा फिजिकल सिक्योरिटी, एक ने दूसरा लिखा उस टाइप इकोनॉमिक, वो सिक्योरिटी लिखना भूल गया सपोज,
उसने लिखा फिजिकल सिक्योरिटी, दूसरा लिखा इकोनॉमिक, और दूसरे बच्चे ने भी लिखा फिजिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक, उसने भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी वर्डिंग लिखा, बिल्कुल ही डिटो ही हमने कर दिया, कॉपी ही कर दी हमने उसकी। यहां चल रहा था पता कि आप लोगों ने चीटिंग करी हुई है, जो कि होनी नहीं चाहिए थी, है ना। ये था और लास्ट क्वेश्चन था आपका 22nd 6 मार्क्स वाला, कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री, सपोर्ट योर आंसर। ये भी क्वेश्चन चीटिंग वाला क्वेश्चन था, जहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पूछी गई थी, सेम लैंग्वेज। अगर मैं बोलूँ ना इसको, कोई मैं पॉइंट बोल दूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इसका कंट्रोलिंग का, और मैं बोलूँ कि आप बताओ एक्सप्लेन करो, जितना आप लिख के आए हो ना इतना अभी आप बोल आधा भी नहीं बोल पाओगे उससे, आप जितना आपने उसमें लिख दिया। सामने बुक खुली हुई थी या फिर किसी की पिक्चर वगैरह को शेयर हो गई थी ग्रुप में, वो करके हमने जो था वो कर लिया। क्योंकि ये दो क्वेश्चन एक थे जहाँ मेरे को लगा कि आंसर जो है वो चीटिंग करके किए गए हैं, एक वन मार्कर्स तो डेफिनेटली साफ चल रहा था पता कि हम लोगों ने कोई ग्रुप वगैरह बनाया हुआ है। हम देख भी रहे हैं क्वेश्चन नंबर ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। एक बच्चे ने तो मैं बताऊँ आपको, उसने जब PDF क्रिएट करने के लिए पिक्चर भेजी, वो साथ में पिक्चर के साथ उस बुक की फोटो भी आ गई जिस बुक से वो देख के कर रहा था। ऐसे मत किया करो यार, इतना बुरा नहीं हम करवाते हैं, आपको भी फोटो भी नहीं खींचनी आती, आपको सेल्फी लेने के लिए तो बड़ा आप एंगल बना बना के दिखते होते ऐसे करके, जैसे सेल्फी अच्छी आ रही है, जब आपने फोटो खींची उसकी तो उसकी बुक की फोटो क्यों आ रही है? आप ही उसे क्रॉप कर ले तो उसको बाहर निकाल, साथ में ही भेज दी वो, सर ये वाली बुक से मैंने किया है। बल्कि टीचर का ख्याल रखा जा रहा है कि सर चेक करना हो तो इस बुक चेक कर लेना, मैंने यहाँ से देख के लिखा है ना, ये हो रहा था शायद। बोले ये कुछ जो था वो प्रॉब्लम्स आई। स्टिल अगर पेपर डिस्कस हुआ है, सभी के लिए हुआ है, चाहे किसी चीटिंग करके किया हुआ उसने भी कुछ सीख लिया होगा, चाहे आपने चीटिंग नहीं करी थी तब भी आपने फिर तो आपने सीख ही लिया, मिस्टेक्स चली गई है पता, आपकी नोटबुक तो आपने अपने पास खोली होगी अपनी। ये पॉइंट डिस्कस करने वाले